ड्राइविंग सीट अपनी चेंज कर ली है, हमने बीबी गाड़ी चला ली है। ये लो इधर साफ पानी, पानी पी लीजिए। ये काली माता का मंदिर। वेलकम बैक टू अगेन आर चैनल। और अभी बज चुके हैं सुबह के तकरीबन 6:15। हमारा प्लान था 6 बजे तक के आसपास निकलने का, बस 10-15 मिनट लेट हो गए। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि आज हीना नहीं जा रही है, एज यूजुअल उसने बोला था कि मैं नहीं जा रही हूँ। वो अभी तक सो रही है, उसको नींद भी आ रही है। और मम्मी रेडी है, पापा रेडी है पीला कुर्ता पहन के, और शी इज़ ऑल्सो रेडी। क्या वाह। तो बस शी इज़ मेकिंग अ ब्रेड फॉर मी और चाय। थैंक यू, मैं आपका आगे का ही रहूँगा। तो बस चलते हैं अब यहाँ से, और हमें जाना है 2-3 मंदिर। मैं आपको बताता हूँ, पहले जाना हमें खादराबाद काली माता के मंदिर, उसके बाद हमें जाना है पता नहीं, मैं आपको बताता रहूँगा, मुझे नाम नहीं पता, तो पापा से पूछ पूछ के बताता रहूँगा। और आज चलते हैं। तो गाइस सारे लोग बैठ गए, फोन आ गया, तो ऑलरेडी हम सारे लोग बैठ चुके हैं, तो अब चलते हैं। नमस्कार। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, तो 3 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है, तकरीबन हमें 4 घंटे लग जाएंगे। लाल कुआ, तो वहाँ से भी थोड़ा पेट्रोल भरवा के यहाँ से फिर चलते हैं। ड्राइविंग सीट अपनी चेंज कर ली है, मेरी बीवी गाड़ी चला रही है। ये लो तो दिखाने था, बस थोड़ा सा दिखा दिया, वैसे तो देखा ही है, बट ऐसे नहीं जाना चाहती, ऐसे चला रही है बहुत डर डर के आराम से। अभी फिलहाल हमारा रह चुका है 77 किलोमीटर, लेकिन रास्ता देखो कितना बेकार है। मतलब छोटा सा रास्ता है, ये आग सामने से भी गाड़ी आ रही है, और ये देखो बहुत ज़्यादा बेकार रास्ता है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया है अपन ने, कचौड़ी ब्रेक, तो कचौड़ी खा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सुबह से चले हुए थे तो भूख लग गई थी, तो 10 भी बज चुके हैं, तो शायद हमें खा लेना चाहिए, क्योंकि अभी 1 घंटा लगेगा, तो हम 11 बजे तकरीबन वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब चलते हैं। क्या हो ऐसे खा लेते हैं, कोई नहीं भैया, तो निकाल लिए। नहीं नहीं नहीं, और ये 3 ही थे मम्मी, और कोई नहीं। कचौड़ी खा ली हमने, कचौड़ी थी 15 रुपए की, वो लेकिन इतनी मस्त थी ना, क्योंकि यूपी में लोग ना इसका ही नाश्ता करते हैं, जलेबी और कचौड़ी का नाश्ता करते हैं, तो आज हमें भी कर लिया। और मम्मी अब छाछ डाल रही है, छाछ पी रही है। लो आराम, दवाई होता है अस्पताल। हाँ ठीक है, तो ये पी के लेते हैं फिर चलते हैं। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ मंदिर, यहाँ से एंट्रेंस है खादराबाद मंदिर की, माता काली की। तो अंदर चलते हैं, यहाँ से ऑटो जाते हैं, अगर यहाँ से बस से उतर के सीधा ऑटो से जा सकते हैं, यहाँ पे ऑटो में सीधा मंदिर में लेके जाएंगे। फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं, मैंने टोपी लगा रखी है, थोड़ी बहुत यहाँ पे धूप है, और सामने का मंदिर वहाँ से पैदल जाएंगे। अभी भी ये लोग प्रसाद ले रहे हैं, यहाँ पे सारी दुकान प्रसाद की है, देखो एक ही परिवार है, सारा अलग अलग है, तो दो जगह चले हैं। एंट्रेंस ऑफ मंदिर, कितनी भीड़ है भाई, कितनी भीड़ है। ये मंदिर है गाइस, ये काली माता का मंदिर है। यहाँ के मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, अब जाना है हमें दूसरे मंदिर, तो वहाँ पे हम जाएंगे। बहुत धूप है, तो टोपी लगाने का फ़ायदा होगा। मंदिर जाना है, देखो कहाँ से निकल के अभी जाना है, यहाँ से ये देखो यहाँ पे जाना है बिल्कुल, वो कह रहे यहाँ से जाओ। प्रॉपर गांव है, तो गांव में मंदिर ना ऐसे बने होते हैं, देखो पूरा प्रॉपर गाँव है। पापा कह रहे नंगे पैर चलो, नंगे पैर जा रहे हैं, पीछे ट्रैक्टर आ रहा है, साइड होना पड़ेगा। पूरी खेती है यहाँ पे, पता नहीं कौन सा मंदिर है। अभी सारे बच्चे वो सामने दिख रहे हैं, वो सारे बच्चे आ रहे हैं, और ये सारे बच्चे पैसे मांगेंगे पक्का जरूर। ये यहाँ से निकल के आ रहे हैं,
हाँ यही होगा शायद, यही मंदिर है, इसमें जाना। गांव के मंदिर होते हैं सारे ऐसे ऐसे, जाना पड़ता है। ये रहे सारे बच्चे आ रहे, पक्का पैसे मांगेंगे पक्का। तो कह दिस इज द मंदिर, ये मंदिर है पूरा छोटा सा गांव में, इसमें आया अभी। पापा को प्यास लगी, पापा ने भर में से एफ आर पानी पी लिया। तो गाइस यहाँ पे बड़े सारे बर्मे लगे हुए हैं, यहाँ पे बर्मे में ही पानी की कमी नहीं है, यहाँ पे हर जगह बर्मा लगा हुआ है। वो ये चीज़ अच्छी लगी, पानी की कमी होनी चाहिए ना, पानी की कमी रहेगी तो उसको दिक्कत है। मैं भी अपने कार में रखूँ आराम से, इधर साफ पानी है, पानी पी सको। चल चुके हैं यहाँ से, टोपी पहन के मेरे बाल भी टेढ़े हो गए, मैं काला तो नहीं हुआ ज़्यादा, वैसे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, मैं सनस्क्रीन लगा के आया था। तो अब चलते हैं दूसरी माता के मंदिर, गांव में ही घूम रहे हैं अब तो। मैंने आपको भी दिखाया, वो भी एक मंदिर था, उसमें भी हम माथा टेक के अब जा रहे हैं दूसरे मंदिर। एक है करण जी का मंदिर, वहाँ पे करण जी ने अपनी आंखें दान दे दी थी माता को, तो वाला मंदिर है, उसका नाम है कर्णवास मंदिर। तो अभी वहीं जा रहे हैं गाइस। मंदिर का रास्ता ये है, इधर की साइड हमें जाना है, इस छोटी छोटी गलियों में जाना है, बट अब कैसे जाए ये नहीं पता लग रहा, क्योंकि सामने भी गाड़ी है, आप देख रहे हो आगे मत जाना, मैं ये कह रही हूं व्लॉग बनाते बनाते आगे कर लो। गाड़ी आ रही है, अब देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, जाना तो मुझे इस साइड ही है वैसे। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बहुत सारी मंदिर है, शॉप्स है, नहीं मेरे को नहीं जानी। उसके बाद यहाँ पे देखो पूरा बढ़िया से, चलो मम्मी मेरी फोटो खींचते हैं, तो फोटो खींच लेता हूँ दो मिनट को। ये है मंदिर कर्णवास का, यहाँ पे करण जी ने अपनी आंखें दान दी थी माता को, तो वो अलग मंदिर है, दिखाते हैं कितनी भीड़ है। मंदिर बिल्कुल ही आने नहीं देते, तो ये मंदिर है। दिख रहा आपको वही है भाई, सब यहाँ से निकलते हैं, देखते कितने बजे तक पहुँच जाएंगे, हमारे दर्शन वर्शन सब हो चुके हैं और निकलते हैं अब यहाँ से। गाइस मम्मी को ना वो काट गया, क्या काट गया मम्मी, ततैया काट गया, ओह गन्ने के जूस के पास था ना। चलो कोई नहीं।